बच्चों, आज हम आपको जो है कक्षा 12 की गणित में संबंध एवं फलन नामक पाठ में आपको फलन के बारे में चल रहे हैं फंक्शन। अब फंक्शन पर हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे इसके पहले टॉपिक में हमने बताया था संबंध। संबंध में दो समुच्चय लिए गए थे और उन दोनों समुच्चयों के माध्यम से संबंध का सेट मिला था। संबंध में आर्डर पेयर मिला था। उन आर्डर पेयर के बीच में जो भी अवयव दो प्रत्येक आर्डर पेयर में थे उसमें एक प्रथम समुच्चय का होता था और एक दूसरे समुच्चय का होता था। तो यहाँ फलन की कंडीशन आती है। फलन यानी जिसकी इंग्लिश है अंग्रेजी है फंक्शन। फंक्शन को आप साहित्य में एक तरह से कार्यक्रम से लेते हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो लोग इन जनरल उसको कहते हैं आज फला जगह फंक्शन है, चलना है, देखना है वहाँ क्या हो रहा है, जिसमें लोग जाते हैं और वहाँ देखते हैं, समझते हैं, उसका रिस्पांस पाते हैं। तो उसी को वहाँ एक शाब्दिक अर्थ में फल कहा जाता है जिसके बारे में हम यहाँ चल रहे हैं। तो फंक्शन में भी हम दो समुच्चय को लेते हैं और उन दो समुच्चयों को एक दूसरे के साथ सेट करते हैं। तो यहाँ समुच्चय आपका जैसे कोई एक समुच्चय यक्स है, समुच्चय एक्स, और दूसरा समुच्चय आपका समुच्चय वाई है। इन दोनों समुच्चयों के बीच आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक गुणनफल क्रिया के माध्यम से संबंध प्राप्त हुआ था, लेकिन यहीं पर हम दोनों के बीच फलन की क्रिया को समुच्चय एक्स और समुच्चय वाई के बीच फलन है। तो यहाँ पर अतः फलन की क्रिया हमको शो करना होगा। तो समुच्चय एक्स और समुच्चय वाई जब एक दूसरे के से संबंधित होते हैं तो फलन के रूप में इनका निरूपण क्या होता है, यह होता है एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई के रूप में यहाँ दिखाया जाता है। इसका अर्थ है कि यक्ष के अवयवों का संबंध वाई के अवयवों से हो और वाई के अवयवों के माध्यम से होने पर जो हमें मिलता है उसी को हम उसका फलन कहते हैं। तो जिसका निरूपण हम यहाँ दिखाते हैं, जैसे ले लिया जाए एक संबंध, सामान्य रूप से हम बीजगणित के रूप में चलते हैं, वहाँ वाई इक्वल टू जो लिखा जाता है जैसे 3x लिख दिया गया और इसमें यक्स आपका जो है इस यक्स का अलग अलग मान सपोज कर लीजिए हम लेते हैं यक्स बिलोंग टू एन। जहाँ आपका यक्स बिलोंग टू एन जब है, एन का मतलब है एक प्राकृतिक संख्या के रूप में, और इसी वाई इजकल टू एफ एक्स से हम यहाँ इसको लिखते हैं एफ एक्स इजकल टू 3x। जहाँ आपका जो है y इजकल टू एफ एक्स सो होता है। तो यहाँ x का मान, इसमें x का मान जैसे रखते हैं तो x का मान रखने पर हमको क्या मिलता है, x का मान रखने पर x इजकल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट लेने पर हमें यहाँ पर एफ एक्स के मान जो होते हैं, यह मान हमको जैसे x का मान हमने इसमें 1 रख दिया तो हमें 3 मिलेगा, 2 रख दिए 3 दुना 6 मिलेगा, 3 रख दिए 9 मिलेगा, इस तरह से हमें मिलते जाते हैं। इसी के द्वारा हम जो है अपना वो बनाते हैं। जैसे आप लोग निर्देशांक में पढ़े हैं, निर्देशांक कंडीशन से एक्स और वाई के बीच जो है रिलेशन मिलता है। अतः एक्स वाई के रूप में जब शो करते हैं तो यह हमारा क्रमित युग्म मॉडल हो जाता है, या 1 के साथ 3, 2 के साथ 6, 3 के साथ 9, यानी 1, 3 और फिर 2, 6 और 3, 9, ऐसे हम लेते जाएंगे तो हमको क्रमित युग्म का रूप मिलता है। और इन्हीं के बीच संबंध जिसमें आपका फर्स्ट, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो भी होंगे वह एक्स के रूप में लिए जाते हैं समुच्चय के, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वह वाई के रूप में लिए जाते हैं। तो इस क्रिया में हम इनको दर्शाते क्या हैं,
कि यहीं पर जब हम लेते हैं तो इसी का निरूपण ही हमको एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई के रूप में दिया जाता है। अब यहाँ इसके प्रकार के लिए हम शो करते हैं कि यह होता क्या है। जैसे समुच्चय हमने एक ले लिया है, आपका यहाँ पर लिया गया 1, 2, 3, और फिर दूसरा समुच्चय हमने यहाँ लिया। दूसरा समुच्चय हमको जैसे यहाँ से आर्डर पेयर के रूप में 3, 6, 9 का रूप ही केवल ले लिए, 3, 6, 9 का रूप ले लिए, तो यहाँ आपको मिल गए 3, 6 और 9। स्थिति क्या आती है कि इसमें 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है। अभी पीछे पाया ही गया है 2 का रिलेशन किससे है, 6 से है, और 3 का रिलेशन किससे है, 9 से। यहाँ ये निरूपण आपका जो होता है इसमें यहाँ एक संबंध F लिखते हैं, यही शॉर्ट रूप इसका संकेत दिया जाता है जो पीछे परिभाषा के रूप में दे दिया गया, F such that X map to Y। अब ये क्रिया जो होती है संबंध के संबंध में, यहाँ फलन की क्रिया में जब हम आते हैं तो यहाँ फलन के प्रकार को लिखा जाता है, यानी प्रथम समुच्चय के यदि कोई न कोई अवयव दूसरे अद्वितीय समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, जहाँ पर यक्ष आपका जो है एक तरह से प्रांत कहलाता है और वाई के जो अवयव होते हैं ये सप्रांत कहलाते हैं, यानी प्रांत का कोई न कोई सह प्रांत हो, तो इस प्रकार एक एक करके ये अवयव जब संबंधित होते हैं तो इसे हम कहते हैं कि यह जो है फलन एकैकी फलन को निरूपित करता है, एकैकी फलन है। और यहीं पर देखें कि एकैकी फलन की कंडीशन में जब एक समुच्चय x का एक अवयव समुच्चय y के किसी एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है तो एकैकी कहलाएगा, लेकिन इसमें कोई अवयव छूटा ना हो। तो यदि कोई अवयव छूटता नहीं है तो आपको यक्ष का प्रत्येक अवयव, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर जब समुच्चय यक्ष का प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो संबंधित हो तथा y का कोई अवयव छूटा ना हो, जब y का कोई अवयव छूटा ना हो तो इस दशा में हम इसको क्या कहते हैं कि यह जो है फलन जो आपका है f such that x map to y जो ये शो किया गया है, इस कंडीशन में हम इसको एकैकी कहते हैं तथा एकैकी के साथ साथ आच्छादक भी कहते हैं। न हो तो फलन यफ एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है। यदि इसी में आपको कंडीशन आ जाती है कि दोनों के प्रचित्रण में, मान लीजिए कि इसमें कोई आपका है यक्ष का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, लेकिन y का कोई न कोई एक अवयव ऐसा हो जो यक्ष के अवयव से संबंधित ना हो, छूट गया हो, तो उस समय हम कहेंगे कि यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। और साथ साथ इसी में मिलता है हमको कि इसमें मिलता है कि ये स्थिति आती है कि आच्छादक एकैकी आच्छादक होता है और एक होता है आपको इसमें मिलता है बहुएक आच्छादक। तो बहुएक आच्छादक की कंडीशन में क्या है, बहुएक आच्छादक यानी पहले इसका एग्जाम्पल हम शो करते हैं। एग्जाम्पल आपका ये समुच्चय x है और यह समुच्चय आपका y है। x में हम अवयव लेते हैं जैसे
वन टू थ्री फोर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ ले लेते हैं, कंडीशन बनती है कि इसमें हमारा इसका अवयव इससे संबंधित हो, इनका इससे संबंधित हो, इससे संबंधित हो, यहाँ पर इनसे संबंधित है। अब यहाँ मान लीजिए एक चित्र में आप लोग देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में यदि आपको मिलता है कि x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित है, रिलेटेड है, एक एक करके है, तब तो यह एकाकी है। लेकिन यहाँ पर आपका अवयव छूटा हुआ है, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है कहेंगे। और यहीं पर जब इसके अवयवों की कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए कि x का एक अवयव y के दो अवयव से संबंधित हो और कोई अवयव इसमें छूटे ना हो, तो इस दशा में हम इसको कहते हैं, इस दशा में फलन f जो है f such that x map to y, यह आपका जो है बहु एक आच्छादक फलन कहलाता है। में एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई एक बहु एक आच्छादक फलन को निरूपित करता है। अब इसी को जैसे हम क्या करते हैं कि शॉर्ट संकेतांक बीजीय गणितीय रूप में जब शो करना होता है तो हम इसे लिख सकते हैं। जैसे ये तो आपका आंकिक हो गया, आपके समझ में आ रहा है, आंकिक की कंडीशन में अधिक समझ में आता है, लेकिन यही आंकिक कंडीशन में ना हो करके सीधे कोई संबंध दिया हो फलन के रूप में, तो हम उसे किस प्रकार शो करते हैं जरा उस पर आ जाइए। जैसे एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई का संबंध दिया है और यहाँ पर हमें इसे दिखाना है कि यह कब एकाकी होगा, आच्छादक होगा, और यह कब एकाकी होगा तो आच्छादक नहीं होगा या बहुएक कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि एकाकी होने की दशा में, एकाकी होने की दशा में हम यहाँ जो है बीजगणितीय संबंध में कोई अवयव ले लेते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अब एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू कैपिटल एक्स लेने के बाद हमें जो है वाई में मिलने वाले अवयव लिए जाते हैं। वाई में मिलने वाले अवयव से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, और जब एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू के रूप में लिया जाता है तो स्थिति क्या आती है कि से हमें जो है यहाँ पर यदि प्राप्त होता है कि एक्स वन इजकल टू एक्स टू, तो हमारा फलन एफ एक है कि फलन कहलाता है। और जब यहाँ कंडीशन ये नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि अन्यथा फलन एफ बहु एक फलन कहलाता है। तो आइए बच्चों, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हुए कि कब आप इसको देखेंगे कि यह जो है कहीं सिद्ध करना होगा कि यह फलन एकाकी है, आच्छादक है, बहुएक है, क्या स्थिति शो कर रहा है उसको हम दिखाने चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लिया जाए आपको कि y इक्वल टू एफ एक्स का रूप एक संबंध दिया गया हो और यह आपको 3x के रूप में हो, तो जब इसमें हम x बिलोंग टू से x बिलोंग टू n जो है दे रहा हो तो हमको इससे स्पष्ट होता है कि x का मान हमें प्राकृतिक संख्याओं से लेकर इसमें रखना है और इसमें रखते हुए से हम क्या करेंगे,
यक्स बराबर एक दो तीन का रूप लेते हुए रखते हैं। अब स्थिति क्या आती है, जैसे इसके बारे में आपको पीछे हमने यही एग्जाम्पल ले लिया था, तो वही फिर आपको दिखा दे रहे हैं कि जब ले रहे हैं तो यफ या वाई वन, वाई वन इजकल टू थ्री, वाई टू इजकल टू सिक्स और वाई थ्री इजकल टू नाइन का रूप हमें मिलेगा। और जब नाइन का रूप मिलेगा तो इस प्रकार हम इसे कहेंगे कि यक्ष के किसी न किसी मान पर वाई का एक अद्वितीय मान और संबंध प्राप्त होता है, अतः यफ सच दैट यक्स मैप टू वाई एक एकैकी फलन को निरूपित करता है, फलन निरूपित करता है। अब यहाँ बात आती है कि इसके आगे जैसे एकैकी फलन निरूपित करता है तो आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक की कंडीशन में हमें y के जो है अवयव छूटने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ शर्त आपकी है x मैप टू y के लिए। यदि इसी में आपको दे दिया जाता कि यह जो है f सच दैट x मै n n मैप टू n के लिए, यदि हमको दे करके f x इजकल टू थ्री एक्स लिया जाता तो इस कंडीशन में हम इसको कहते कि एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि दोनों दशाओं में हम चित्र के थ्रू लेते हैं। जैसे एक आपका ये है, एक ही है, यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव लिया गया और n n का रिलेशन दोनों से लिया गया। यहाँ इसमें आपका वन टू थ्री फोर फाइव एट सो ऑन दिखाएंगे, तो कंडीशन क्या मिलती कि इस कंडीशन में हम यहाँ शो करते कि यह जो है वन का संबंध थ्री से है, टू का संबंध जो है सिक्स से है, अगला आपका थ्री फोर का नाइन से और आगे आपको ट्वेल्व से मिलता। तो यहाँ आपके क्या है, पहले तो अवयव लेते जा रहे हैं लेकिन द्वितीय कंडीशन में जो n में है यहाँ पर हमारे अवयव में कुछ अवयव जैसे वन टू यहाँ छूट रहा है, फोर फाइव यहाँ छूट रहा है, इसी प्रकार से आगे छूटते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं के लिए f एक एकी फलन है लेकिन यह जो है आच्छादक फलन नहीं है, यह एक आच्छादक फलन निरूपित नहीं करता है। क्यों नहीं निरूपित करता है, निरूपित इसलिए नहीं करता है कि इसमें एक n के अवयव को हम लेते जाते हैं तो दूसरे जो n के अवयव मिल रहे हैं उसमें कुछ अवयव आपके छूट जा रहे हैं, इसलिए यह आच्छादक फलन को निरूपित नहीं करता है। आज हम आपको यहीं तक इसमें बताएंगे, इसमें आपको कोई भी समस्या होगी, कोई भी कहीं समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उसका निदान देंगे। साथ ही साथ हम आपको अभी कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसको आप लोग करिएगा, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे।